नमस्कार मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। 15 मई को सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वह अपनी उच्च राशि से प्रस्थान कर शत्रु राशि वृषभ में 15 मई से लेकर 15 जून तक भ्रमण करेंगे। आओ देखते हैं सूर्य देव का यह गोचर धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, धनु राशि के छठे भाव में सूर्य देव भ्रमण करेंगे। किसी भी क्रूर ग्रह का छठे भाव में भ्रमण शुभ फलदायी होता है, क्योंकि छठा भाव संबंधित होता है शत्रु, रोग, ऋण, कोर्ट कचहरी, मुकदमा इत्यादि। और जब इन पर क्रूर ग्रह का प्रभाव पड़ेगा तो निश्चय ही इन चीज़ों का नाश होगा, और इन चीज़ों का नाश जातक के लिए शुभ फलदायी रहेगा। रोगों का नाश होगा, आप स्वस्थ रहोगे, आपका शत्रुओं के ऊपर दबदबा बनेगा, पैसे लेन देन के मामले सुलझेंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी केस है तो इस ग्रह गोचर में आपका पलड़ा भारी होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि और सुख की प्राप्ति होगी। धनु राशि के लिए सूर्यदेव भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं, और सूर्यदेव पर द्वादश भाव से बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप भाग्य की शुभता बढ़ेगी और कोई लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से लाभ हो सकता है और धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी, परंतु इस ग्रह गोचर में आपके मामा जी के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो सकती है। दोस्तों, इस ग्रह गोचर का अशुभ फल दूर करने के लिए और शुभ फल पाने के लिए रविवार वाले दिन सुबह गुड़ शक्कर मिश्रित जल सूर्य देव को अर्पित करें और बंदरों की सेवा करें। दोस्त, आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।